पंजाब से सटे जिला कांगड़ा के डमटाल क्षेत्र में दो अलग अलग तरह के मामले सामने आए हैं। यहां तोकी पंचायत में युवतियां फिल्मी स्टाइल में नाका लगाकर लोगों से जबरन पैसे की उगाही कर रही थी। यहां पर इस तरह की घटना होने का जब कुछ लोगों को पता चला तो उन्होंने युवतियों का वीडियो भी बना लिया, और जब युवतियां वीडियो बनाने वाले से दुर्व्यवहार करने लगी तो इस बारे में डमटाल पुलिस को सूचित किया गया, लेकिन युवतियां वहां से फरार हो गई। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक वहां से युवतियां जा चुकी थी। ऐसे में बनाई गई वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। युवतियों के बारे में सूचना पंचायत प्रधान व पुलिस को दी गई है। पीएनबी एटीएम नंगलिया के पास युवतियां फिर से नाका लगाकर लोगों से जबरदस्ती पैसे इतने का काम कर रही थी, जिसकी सूचना लोगों ने पंचायत शेखपुर के उप प्रधान को दी। प्रधान ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने मौके पर आकर युवतियों को पकड़ लिया। बता दें कि ये अपनी तरह का एक अलग मामला है, जिसमें 7 युवतियां लोगों से पैसे इतने का काम कर रही थी। एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस ने युवतियों के खिलाफ डमटाल थाने में मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन की जा रही है। पुलिस ने पंजाब की सीमा के चक नंगलिया से युवतियों को पकड़ा है।